बहन की माला, फूल की माला पहना दी। अब सीता जी की सहेलियां टोंटी करने लगी, बोले क्यों लक्ष्मण जी, लक्ष्मण को टोंटी के, बोले क्यों लक्ष्मण जी, तुम्हारी प्रभु को हार पहनना ही पड़ा, मतलब हार मानना ही पड़ा, सर झुकाना ही पड़ा। लक्ष्मण कहते तुम लोग हार कहते हो, लेकिन हार नहीं, हमारा देश में जयमाला कहते हैं, प्रभु ने जयमाला पहने, हार नहीं पहने। इतने में एक दूत को भेज दिया अयोध्या में, अभी सीताराम की शादी होगी। इतने में दशरथ महाराज ब्रजा को लेकर आए। श्री जनक महाराज सोच रहे थे शायद ये दो ही भाई राम और लक्ष्मण, लेकिन जब फिर ब्रजा की आई, देखा ये चार भाई, दो भाई नहीं ये चार भाई है, उनको साथ में भरत शत्रुघ्न भी आए। इतने में श्री जनक महाराज ने देखा भैया ये तो चार भाई है, अरे हमारे पास में चारवीं बेटी है, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। उन्होंने ये सत्य को श्री दशरथ महाराज को पास में रखे, आपके चार बेटे, हमारे पास में चार बेटी, अरे जो चार बेटी है ये साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप है, और ये चार भैया ये भी विष्णु स्वरूप है। बोले अगर आपकी इच्छा हो एक साथ में शादी करा दे। बोले भैया शुभम शीघ्र, शुभ कार्य शीघ्र कर दो। एक साथ में चार भैया की शादी हो गई। पहले ये नियम होता था, ऐसे नहीं शादी से पहले मिले, पहले ये नियम नहीं था, शादी को चार दिन बाद में जाकर मिलते थे। इतने में चार ही बहुओं को उनकी सखियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, घूंघटा उतार करके चार भाइयों को सामने ले आए। बोले देखो तुम चार भाई, ये तुम्हारी चार ही बहुएं हैं, अपने अपनी बहुओं को छांट लो। बोले राम सावधान, छोटे भाई का जो पत्नी है वो होता है बेटी के बराबर, इसलिए सावधान से अपना पत्नी को चुनना। और तीनों भाई को सावधान कर दिया, बड़े भाई का जो पत्नी ये माँ की बराबर है, सावधान से चुनना नहीं तो पाप लगेगा। अभी चार भाइयों तो घबरा गए, अभी तक तो किसी ने बहू को देखा ही नहीं, और इतने बड़े बड़े घूंघट निकाल करके ले आए, अभी तो बड़े डर गए, अभी क्या होगा। राम को बोले बताओ तुम्हारी ये चारों में तुम्हारी कौन बहू अपना छांट लो, अभी सामने बात मत करो, इधर देखो उधर मत देखा करो, मेरे तरफ देखो, उधर का हो गया काम। इसलिए अभी उन्होंने राम से बोले बताओ तुम्हारी बहू कौन है चारों में। भगवान राम देख देख करके बोले ढूंढ लिया। भरत को बोले बताओ तेरे बहू कौन है, उसने एकदम अपना मेरी बहू एकदम सही सही छांट ली, अपना अपना बहू को। इनकी जो सहेलियां थी ना अभी तक तो किसी ने देखा ही नहीं, छांट के लिए। बोले राम ये बताओ तुमने तेरी बहू को कैसे पहचाना। बोले देखो सीता जी से मैंने दो बार मिला, एक बार तो मिला हूं जब वाटिका में उस पर चयन करने के लिए गए थे तभी मैंने सीता जी को मिला, जब सीता जी मेरे गले में माला डाल रही थी उसी समय भी मैंने सीता जी को मिला, इसलिए मैं पहचान गया मेरी सीता कौन है। बोले ये बात। बोले हाँ। भरत जी से पूछे बताओ तुमने कैसे पहचाना ये तुम्हारी पत्नी। बोले मैं जो कुछ काम करता हूँ प्रभु राम की चरणों को चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए हर काम मेरी सक्सेसफुल, इसलिए प्रभु राम की चरणों को चिंतन करते करते बोल गया ये मेरी पत्नी। बोले ठीक है। बोले शत्रुघ्न तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू। बोले देखो मैं चारों में सबसे छोटा हूँ, मैंने देखा ये चारों में सबसे छोटी कौन है, जो सबसे छोटी होती है मेरी बहू होती है, इसलिए छोटी को मैंने कह लिया। बोले ये बात। बोले हाँ। लक्ष्मण को बोले तुमने कैसे पहचाना तुम्हारी बहू। बोले ये सीधी सी बात, तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो बच गई तो मेरी है। सब लोग बड़े हंसी दिल मिला। ऐसे ही ये कथा किसको कौन सुना रहे हैं, मैया जसोदा कृष्ण को थपथप लगा करके ये कथा को सुना रही है। जिस समय फिर ब्रजातुल लेकर के आए कहाँ पर, अयोध्या में, अयोध्या लेकर के। एक दिन श्री दशरथ महाराज ने अपना शीशा में अपना चेहरा को देखा एक दो बाल पक गया है, मतलब बाल प्रस्त लेने का समय आ गया, इसलिए 25 साल ब्रह्मचर्य 25 साल गृहस्थ उसके बाद बाण प्रस्त है, इसलिए देखो 50 के बाद में कौन सा अंक आता है, एका बन बा बन चौ बन, मतलब घर में नहीं वृंदावन जा भजन करने के लिए, इसलिए भागवत आदेश देता है घर में नहीं रहनी चाहिए।
अगर रहोगे तो बहू के साथ में लड़ाई झगड़ा भी रहोगी, फिर बहू के साथ में लड़ाई। इसलिए पहले लोग है ना समझदार होकर के पहले ही वृंदावन चले जाते थे, नहीं तो मन मिटाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगी। इससे बढ़िया वृंदावन में संतों का संग करो, भक्ति करो और जीवन की मुक्ति की मार्ग देख लो। इसलिए एकावन बावन आता है चौवन, अगर फिर भजन नहीं किया ना पहले बताना 68 फिर सखिया बने जाओगे, फिर तेरे से कुछ होने वाले नहीं। 60 61 62 फिर सखिया बन जाओगी, फिर भजन भजन नहीं होगा। पहले से मुक्ति का मार्ग देखो, हाँ। उसको बाद में 69 70 71 हाँ, ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं सत्ता सुघर सत्ता संगत पाई, अगर जीवन में कोई अच्छे संतों का अगर संग मिल जाए तो फिर तो तुम्हारी उसमें कोई कल्याण होने का संभावना है। इसलिए दशरथ महाराज सोचे रामचंद्र को राज्याभिषेक करके मैं भजन के लिए चले जाऊं, दोनों पति पत्नी हम भक्ति के लिए वानप्रस्थ को ग्रहण करूं। इतने में मंथरा ने फिर उन्होंने कई कई की बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। बोले अभी तुम वर मांगो, दो वर दशरथ महाराज बोले थे देने के लिए, एक वर में तेरा बेटा राज सिंहासन में बैठेगा, दूसरे वर में रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास दे दो। जब रामचंद्र वनवास गए इतने में मारीचा ने हिरण बन करके आई, हैं इतने में बोले ये हिरण को हमें पकड़ करके ला दो। राम जब चले गए इतने में रावण आए सन्यासी बन करके और माता सीता को उठा कर मिले। जब मैया ने कन्हैया को ये बात बताई ना, राम कृष्ण कौन है, वही राम को कृष्ण बन करके आए। जब कृष्ण को बुलाए तो ये सीता को उठा करके ले गए, इतने में कृष्ण तो गोद में सो रहे थे छोटे बच्चे, इतने में कृष्ण छलांग लगा कर खड़े हो गए। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे धनुष ला, अभी मैं देखता हूँ कैसे मेरी सीता को रावण उठा करके ले जाएगा। मैया बोले इसको क्या हो गया, मैया को बताया वही राम में कृष्ण बन करके आए, मैया की ये बात बतानी है। ऐसे ही मैया जसदा कन्हैया की बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी प्रभु राम की कथा सुनाते हुए थप थप लगा करके सुनाया करती थी। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। अभी हमारे बीच में हमारे कुछ प्रभु लोग हैं, हमको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे, फिर लास्ट में गिरिराज की पूजा करके फिर हम लोग जाएंगे। विभिन्न प्रभु हमारे प्रभु जी को बुला दो, तो संजय प्रभु जी को, संजय प्रभु जी तुम प्रभु को संजय प्रभु, संजय प्रभु भेज दो यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान निर्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाये प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण दिनामिने। नमो विष्णुपादाय श्री कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी दिनामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने मदी गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शतर श्री श्री मर्षि भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अपेक्षा नारंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात संपूर्ण रूपानुकूल परंपरा के चरणों के प्रणाम। मंचासीन परम पूजनीय श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों के प्रणाम। श्री राधा माधव जी के चरणों में प्रणाम और श्री सिंह रामचंद्र जी भी सामने बैठे उनके चरणों में लिए रहे थे प्रणाम। पिछले 5 दिवस से आप महाराज जी के मुखारविंद से भागवत के अनेक अनेक पक्षों को सुन रहे हैं। जैसे एक चीनी का ढेला है उसको कहीं से मिठाई या मिठाई होता है, उसी प्रकार से भागवत जी अत्यंत मधुर हैं। स्कंद पुराण में श्री व्यास जी इसके विषय में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत यत्र श्रीमद् भागवते यदा क्रियते श्रीयते च अपि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम्। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है उस स्थान पर जहाँ पर बोली जाती है और जहाँ पर श्रवण किया जाता है उस स्थान पर व्यास के रहे च अपि ये दोनों क्रियाएं जहाँ पर होंगी श्री कृष्णम तत्रम निश्चित है, वहाँ पर श्री कृष्ण अवश्य है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण वहाँ पर ना हो तो कथा सुनने में वह आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वेदांत सूत्र कहता है आनंदमय अभ्यास, हम सब आनंद के अंश हैं, श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है।
जब तक कथा के अंदर जिस भी व्यक्ति को अगर आनंद मिल रहा है, किंचित मात्र का भी अनुभव हो रहा है, तो ये इस बात का साक्षात प्रणाम है कि श्री ठाकुर जो है उस कथा को सुन रहे हैं और उनको जो आनंद प्रदान हो रहा है वही जो है जीवों में वितरित होता है। जो हमें यहाँ पर सुनने से प्रदान हो रहा है वह श्री ठाकुर की कर्णेंद्रियों को बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीमद् भागवतम जी में 10 विषयों को बताया गया है, 12 स्कंदों में 10 विषय बताए गए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषणम उदि मनवंतरेशु ईश कथा और निरोध मुक्ति आश्रय। आपने पहले स्कंद में सुना कि कैसे ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि इत्यादि की। उन ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाद सर्ग विसर्ग हो गया, फिर स्थान जब श्री ध्रुव महाराज जी वन को गए और श्री भगवान को प्राप्त किया, फिर कथा आई पोषण की। पोषण माने जहाँ पर गजराज ने पूर्व जन्म में भजन किया लेकिन पूर्व जन्म में भजन से चुप्त हुआ लेकिन अगले जन्म में श्री भगवान ने फिर रक्षा की। अजामिल जो कि सही सही भजन करता था, ब्राह्मण था, लेकिन उसने भी एक वैश्या का संग कर लिया, लेकिन वैश्या का संग करने पर भी श्री भगवान ने उसका पोषण किया। तो यह सब पोषण की कथाएँ हैं। फिर मनवंतरेशु ईश कथा, अनेक प्रकार के ये जितने भी मंत्र हैं उस मनवंतर हैं उसमें जितने अवतार हुए उसकी कथा बताई गई। फिर रामचंद्र की कथा बताई गई। निरोध मुक्ति आश्रय, अब जो पिछले 2 दिन से चल रहा है ये भागवतम का 10th स्कंद, यह आश्रय स्वरूप है। जगत में प्रत्येक जीव एक ही वस्तु चाहता है कि उसको आश्रय मिल जाए। बिना आश्रय के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। कोई ऐसा संबंध मिल जाए, कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पर हम अपने सारे के सारे हृदय का प्रेम नियोजित कर सके। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका हृदय है। आपके हृदय में जो प्रेम है वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे हम संसार में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी निवेश करते हैं, तो बहुत देखते हैं कहाँ पर लगाएं। ऐसी जगह पर हम धन लगाएं जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसलिए गुरु जी कहा करते थे अपने हृदय की संपत्ति को बड़े ध्यान से लगाना, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति है। और इस संपत्ति को अगर भगवत भक्तों के चरणों में लगा दिया, वही आसक्ति जो संसार में है, अगर वही संपत्ति, वही अपने हृदय का धन अगर भगवत भक्त के चरण में लगा दिया, तो जो अनंत जन्मों से हम लोग दुख पा रहे हैं, अनंत जन्मों से अनंत योनियों में जो भ्रमण कर रहे हैं, ये सब जो है समाप्त हो जाएगा। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण जो है श्रीमद् भागवतम के 10th स्कंद में ही आता है। महाराज जी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी मधुर हैं कि सुखदेव गोस्वामी को कहना पड़ा कि जिस व्यक्ति को श्री कृष्ण कथा सुनने का मन नहीं करता है, जिसको ये कृष्ण कथा बड़ी अरुचिकर लगती है कि क्या पुनः पुनः इन सब बात को सुने, वो कह रहे हैं जो इस कृष्ण कथा को विशेष करके बाल लीलाओं को पुनः पुनः सुनेगा उसकी श्री कृष्ण कथा में और रुचि समाप्त हो जाएगी। माने अभी तक उसको संसार के विषय बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन श्री कृष्ण कथा सुनते सुनते हृदय में बात स्थापित हो गई कि यहाँ जो मधुराति मधुरतम श्रीमद् भागवतम के पक्ष है ना, इनको बार बार सुनने से मेरे हृदय में एक अनेक प्रकार का आंदोलन हो रहा है। मेरे हृदय में एक आंदोलन की उपस्थिति हो गई है कि जो मेरा मन संसार की ओर धावित होता था, आज इस भागवतम को सुनकर स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की ओर धावित हो रहा है। यह इस भागवतम का मूल जो है फल है। सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवतम इष्यते, सारे के सारे वेदांत का सार स्वरूप निकाल करके दे दिया। क्यों न रसकृतस्य, कि इसको प्राप्त करके और किसी की प्राप्ति की वांछा ही नहीं है, अतिशोक्ति नहीं होगी ये कहना कि भागवतम श्रवण ही सब कुछ है। श्री गीता जी सुनने के पश्चात श्री भगवान ने कहा कि आप शरणागति कीजिए, सब धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे पास आइए। गीता जी के बाद अभी एक क्रिया करनी बाकी है, सुनने के बाद कुछ करना बाकी है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जी क्या कहती है, वयम युना विद्वत्पयाम उत्तम श्लोक विक्रम है, कि श्रीमताम रसिकानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, कि इसको सुनते सुनते क्या हो रहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, मुझको पग पग में क्या हो रहा है, निरंतर जो है आनंद मिल रहा है। क्योंकि श्रवण ही साध्य है, अगर सही सही श्रवण हो जाएगा तो श्री भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज ने गर्भ में श्रवण किया लेकिन वो गर्भ में श्रवण याद रहा। श्री रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर के गुणानुवाद को सुना, केवल श्रवण मात्र से ही श्री भगवान को प्राप्त किया। श्री परीक्षित जी श्रवण के जो है उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और भागवत सुनकर श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो भागवत जी इस बात को प्रमाणित करती है कि श्री भगवान अगर आएंगे तो कौन से मार्ग से आएंगे, वो आपके कानों के मार्ग से ही आएंगे, और अगर सही सही श्रवण कर लिया तो हृदय में जितने प्रकार का ताप है वो सब नाश हो जाएगा।
श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में घूम रहे, सब लोग सखा अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाते थे। श्री वृंदावन में एक स्थान है काम्य वन, जहाँ पर सब सखा बैठते थे और भोजन खाते थे। तो जब भोजन पाते सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आते। एक उसमें सखा बड़ा दरिद्र था, उसने माता को कहा कि दीजिए सब लोग कृष्ण के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना के लाते हैं, आप हमें भी कुछ दीजिए। माता ने कहा भैया मेरे घर तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा गुड़ है ये ले जा। अब गुड़ दे क्या, उसने सोचा कोई मालपुआ दे रहा है, कोई खीर दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, मैं बीच में इस गुड़ को दूंगा तो सही नहीं लगता। तो सब लोग जब पा रहे थे वो कोने में बैठा हुआ था और उस गुड़ को अपने मुंह में डाल दिया। तो श्री कृष्ण का मन कहाँ था कि वो गुड़ जो खा रहा है उसको देखा, बोले क्या खा रहा है, बोले हूं करता है, बोले क्या खा रहा है, बिल्कुल चुप रहा, बोले देख कितना वो दंड है, घर से आपके लिए लाया और अकेले अकेले खा रहा है, हम सब लोग मिलके खा रहे हैं तो इसका मतलब, और ये अकेले खा रहा है इसका मतलब इसके पास जो वस्तु है ना वो ज्यादा ही स्वादिष्ट है, तो सब इसको पकड़ के लाओ। तो श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को इंगित किया, बोले जाओ पकड़ के लाओ। दो सखा गए पकड़ के लाए, श्री दाऊ जी ने पैर पकड़े, श्री राम ने हाथ पकड़े और लेकर के ले आए। बोले मुंह खोल, बोले हम, बोले नहीं खोलता, वो तो अभी मुंह नहीं खोल रहा है। तो श्री ठाकुर उसके ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, उसके पेट में थोड़ी सी गुदगुदी की, वो हंसा जूही हंसा, उसका मुख खुला, उस मुख के पीछे गुड़ था और अपनी दो उंगलियों को उसके मुख में डाला, गुड़ को बाहर निकाला और लाल टपकता हुआ गुड़ मुंह में डाल लिया। बोले हो, बोले इतनी स्वादिष्ट वस्तु तो मैंने आज तक नहीं खाई है। श्री ब्रह्मा जी ये देख करके भी मोहित हो गए, अरे जो यज्ञ का खाता है, जिसको हम जैसे श्री ठाकुर को भोग लगाने जाते हैं, तो अगर वो भोग भी अगर किसी को दर्शन हो जाए तो उसे अपरस मान लिया जाता है, फिर पुनः बनाना पड़ता है। लेकिन ये कैसा भगवान है, ये तो यज्ञ का खाने वाला, ये झूठा कैसे खा रहा है। ये वृंदावन की बड़ी विचित्र लीला है। श्री प्रहलाद जी ने बोला ना, मन ने धन अभिजन रूप तेज पौरुष बल बुद्धि होगा, नाराध्य ही भवंती परस्य पुरुषो भक्त्या दोष भगवान गज युत पाया। सबको ले लिया प्रहलाद जी ने, बोले कोई सोचता है मेरे पास धन बहुत है मैं भक्ति करूंगा, प्रहलाद जी ने कहा नहीं। कोई सोचता है अभिजन बहुत है मेरे को जानने वाले बहुत है, बोले नहीं होगा। कोई सोचता है पौरुष बहुत है मेरे पास शारीरिक बल बहुत है, नहीं होगा। कोई सोच रहा है मेरे पास बुद्धि बहुत है, नहीं होगा। कोई कह रहे मेरे पास शुद्ध बहुत है सुनना कौन है, बोले नहीं होगा। बोले नाराध्य ही भवनती, प्रहलाद जी कह रहे सबसे आराधना नहीं हो सकती है। बोले क्यों, तो बोले आराधना कैसे होगी, बोले भक्त्या तो दोष भगवान गज युत पाया। जैसी आराधना गज ने की थी, बोले गज ने कैसी आराधना की, वो तो डूब रहा था, उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था, सारा शरीर जब डूब गया था इतनी सी सूंड से बाहर रह गई थी, और उस समय सूंड बाहर थी तो मन में सोचा क्या दिया जाए, इस समय तो मेरे पास कुछ है नहीं कि मेरा जीवन जो है इस समय जा रहा है। तो उस सरोवर की सतह पर सुंदर कमल का पुष्प पड़ा था, वो लेकर के श्री भगवान को समर्पित किया। जो ही समर्पित किया, टीकाकार कहते हैं कि श्री ठाकुर इतनी तीव्र गति से आए कि ग ऊपर बोला और ज नीचे बोला, वैकुंठ में ग बोला था और ज नीचे आकर के बोला, इतनी तीव्रता से भक्त की ओर आते हैं। देखो भूख लगती नहीं है, लेकिन श्री वृंदावन में क्या लग रहा है, भूख लग रही है। सब सखा आपस में बैठे हुए, आम के सुंदर वृक्ष को देखा, वृक्ष को देख करके बोला हो, बोले आम तो बड़ा, आम का वृक्ष बहुत अच्छा है और इससे आम मिल जाए तो सब तो सब। श्री कृष्ण ने कहा मुझे आम चाहिए, बोले ऊपर चढ़ेगा कौन इतना, बोले तुम सारे इतने खड़े हो जाओ। तो एक एक करके घेरा खड़ा हुआ, नीचे चार खड़े हुए, फिर तीन खड़े हुए, फिर दो खड़े हुए, एक खड़ा हुआ, एक सबसे ऊपर था, उसने आम को देखा, बोले वो आम तो बढ़िया लग रहा है लेकिन हो सकता है मीठा ना हो, हमारी सारी मेहनत ना बेकार हो जाए। तो उसने कहा मैं ऊपर क्वालिटी टेस्ट कर लेता हूँ, बाजार में कोई प्रोडक्ट आता है ना तो वो तीन चार क्वालिटी टेस्ट से होकर के जाता है। तो उसने चख लिया, बोले हाँ 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 मीठा है। फिर नीचे वाले को देखा, उसने कहा पता नहीं हो सकता है ये ऊपर खड़ा हुआ था, इसके पैर हिल रहे थे भय के कारण, ना जाने इसने ढंग से चखा भी है कि नहीं चखा, हम भी खा लेते हैं, उन्होंने भी खा लिया। फिर नीचे के पास भी आया, उन्होंने कहा हो, बोले श्री ठाकुर को सही से लगाना चाहिए, मीठा होना चाहिए, तो वो भी उन्होंने खा लिया। तो जब श्री ठाकुर को दिए ना, ठाकुर के हाथ में डंठल दी सिर्फ, ठाकुर ने कहा वाह वाह वाह, बोले ये कार्यक्रम ने बड़ा उत्तम किया, और उसी डंठल को जो है चाट रहे हैं, श्री भगवान भाव रहे जला रहे हैं। सखाओं के साथ जब भूख लगी, सखाओं ने कहा हे गोविंद राम राम महाभाव हो, हे राम राम, हे बलराम जी आप तो महाबली हैं और कृष्ण दुष्ट निवरण, हे कृष्ण आपने अनेकानेक दुष्टों को मारा है, पूतना आपने मारी, अघासुर आपने मारा, चढ़ावत आपने मारा,
श्री ठाकुर ने कहा भैया हमने थोड़ा मारा, बोले क्यों, बोले वो दूध पिला रही थी, हम दूध पीते पीते वो मर गई, इसमें मेरा क्या दोष है। वो मेरे पास आया और मैं तो बैठा हुआ था, वो मुझे हवा में ले गया और ऊपर हवा में ले जा करके मैं मेरे को कह रहा नीचे हो, मैं कहा भाई मैं छोटा सा बालक तुम्हें धक्का देगा नीचे गिर जाऊंगा, तो मैंने आलिंगन किया और मैंने आलिंगन किया वो मर गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है। शकट के नीचे बैठे हुए हैं, अब शकट के नीचे बैठे हुए हैं तो जैसे बच्चा पैर हिलाता है, बोले हम तो बालक की तरह पैर हिला रहे थे, हमारे स्पर्श से अब शकट भंजन होकर के मर गया है, इसने मेरा क्या दोष है। श्री ठाकुर बोलते हमने किसी को नहीं मारा है, वो अपने आप आए और अपने पाप के कारण स्वयं मरे। जीव जो है अपने पाप के कारण मरता है, कर्म के कारण ही जो है उसके जीवन में दुख आता है, कर्म के कारण ही जो है सुख आता है। तो बोला हे राम आप तो बड़े महाबली हैं, आपने अनेका अनेक असुरों को मारा है, श्री कृष्ण आपने भी मारा है, अगर आप वास्तविक रूप में इतने महाबली है ना तो ये शुद्ध तन तंत्र कर्म, ये मुझे शुदा लगी है, भूख लगी है ना, आप इसको मार के दिखाइए। तब श्री ठाकुर ने कहा देखो पास में ही ना एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इति विज्ञापित रूपे भगवान देव की पुत्र, श्री भगवान ने कहा पास बड़ा सुंदर एक यज्ञ हो रहा है, आप सब लोग वहां जाइए। बोले यज्ञ कौन कर रहा है, बोले यज्ञ ब्राह्मण कर रहे हैं। बोले तो क्या कहना है, बोले वहां जाकर के ये बोलना है कि बलराम जी आए। सखाओं ने कहा आपका नाम क्यों नहीं बोलना, बोले मेरे नाम तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे नाम तो कुछ नहीं मिलना है। बोले क्यों, बोले मेरी क्रेडिबिलिटी जो है ब्रज में ठीक नहीं है, तो उन्हें श्री बलराम जी का नाम बोलना। बोले क्योंकि ये ब्राह्मण जो है ना ये सोचते बलराम जी क्षत्रिय है, क्षत्रिय को दे देंगे, मैं वैश्य हूँ वैश्य को देंगे नहीं। तो बोला वहां जाओ और वहां जाकर के ये बोलो कि हमें भूख लगी है। तो ये गए वहां पर, सखाओं ने हाथ जोड़े, बोला हे भूमि देव, आप तो भूमि के देव हैं और हमारी आप बात सुनिए, श्रीमन ने बहुतता व्यासी से हम आपसे हाथ जोड़ करके एक बात कहते हैं कि पास ही में श्री कृष्ण अपनी गैया चराते चराते वन के बहुत भीतर प्रवेश कर गए, और भीतर प्रवेश कर गए हैं, भोजन की व्यवस्था तो है नहीं, आप ये बड़ा सुंदर यज्ञ जो है वो आप जो है उस जो श्री विष्णु के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ को थोड़ा आप दे दीजिए, इसका भाग दे दीजिए। तो जब उन्होंने ये बात सुनी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सुन करके भी नहीं सुनी, क्योंकि श्री भगवान ने कहा था कि जब वहां जाना एक बात करना, कीर्तन से भगवान तग्रजम, कीर्तन करके बोलना कि राम और बलराम आए, लेकिन जब कीर्तन बोला ना तो ब्राह्मणों ने सुना नहीं। जगत में भी ऐसा ही है, अब कृष्ण कथा में बैठे ना लोगों को बोलो कीर्तन करो, मुख से निकलता नहीं, अरे कीर्तन करो मुख से निकलता, किसी को बोला कृष्ण बोलो, बोले हाँ 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 हाँ, अरे कृष्ण बोलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो कृष्ण नहीं निकलता मुंह से। तो वो ब्राह्मण क्या है, उनकी प्रतिष्ठा कहाँ पर है, उनकी प्रतिष्ठा यज्ञ में है। तो जब भगवान ने जो याचना की, भगवान ने याचना की और उस याचना को उन्होंने नहीं सुना, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, शुदांशा भूरि कर्माणी, ये अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। भगवान गीता में कहते अहम यज्ञ सर्वभोक्तारम, मैं सारे के सारे यज्ञों का भोगता हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें अन्य किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन उनके कान में कुछ नहीं हो पा, श्रेय अपनी ना श्रेयते, सुना लेकिन अनसुना कर दिया। ये वापस आए, बोले कुछ लाए, बोले ठाकुर आपने वैसी दौड़ लगा दी लंबी, अरे तो वैसी भूखे हम इतने थे। वो वहां गया, उन ब्राह्मण ने तो बात नहीं सुनी। तब श्री कृष्ण ने कहा देखो अब मैं तुम्हें सही पात्र के पास भेजता हूँ, उन्होंने तो तुम्हें भोजन नहीं दिया, अब तुम उनकी कहाँ जाओ, अब जाकर के बोलो परिज्ञात अग्रजम, मैं अपने अग्रज के साथ संघर्षण के साथ हूँ, किसको जाकर के बोलो, बोले उनकी पत्नियों को बोलो। अब ये वहां गए, वो पत्नी को बोला नमो ओ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण की पत्नियों आप एक बात सुनिए, कृष्ण पास ही में है और बहुत भूखे हैं, आप उनके लिए भोजन देगी। जो ही ये सुना कि श्री कृष्ण पास में है सब मूर्छा हो गई, बोले तो मूर्छित हो गई, अब भोजन कौन देगा, अब मूर्छा हो गई। फिर कान के पास जाकर के बोला अरे पास में तो है लेकिन भूखे हैं, उस समय चेतना आ गई, जो ही पता चला पास में है उसी समय श्रीवता अच्युतम पास्याम कि अच्युत निकट आ रहे हैं, और तद दर्शनेत उनके दर्शन के लिए उनके हृदय में कितने समय से आकांक्षा थी, कृष्ण से कभी साक्षात मिली नहीं है, ब्राह्मण पत्नियां कभी श्री कृष्ण से साक्षात नहीं मिली, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलन की इतनी तीव्र उत्कंठा थी कि चतुर्विधम बहुगुणम अनेक प्रकार के भोज्यों को लेकर के बड़े बड़े
थालों को लेकर के जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? समुद्र एवं निमग्ना, जैसे समुद्र अपने पति, नदियां जो हैं समुद्र से मिलने के लिए जाती हैं। नदियों का पति कौन है? समुद्र है। तो समुद्र से मिलने के लिए भागी जा रही हैं। किसी ने कहा तुम्हारे पति तुम्हें जो है समाज से निकाल देंगे। ये ब्राह्मण है सारे के सारे, और ब्राह्मण की पत्नी का धर्म है उसी के साथ रहे। तो वहां पर सुखदेव जी कहते हैं ऋषभ माना पति भी बंधु भी भ्रात भी। बोले ये पति है, बंधु है, भ्रात है, ये सब हमें रोक रहे हैं, लेकिन हम रुक नहीं पा रहे। क्यों? भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ सुतदाश्रय, हमने इस श्री कृष्ण के गुणों को इतना सुना है, दीर्घ काल तक स्मरण किया है, इसलिए वह गुणों के कारण हमारे हृदय में कैसा संस्कार पड़ गया है। अरे हम तो प्रतीक्षा कर रही थी कि वो हमारे निकट आए, अब हमें पता चल गया कि वो हमारे निकट आ गए हैं, अब हम रुकेंगे नहीं। तो यमुना उपवन अशोक नव पल्लव मंडित, यमुना के निकट जा रही है, बड़े बड़े थाल रख के सर पे जा रही है, और नाश्ती गाती जा रही है। और यमुना के जो यमुना का पुनन है, उस पुनन पर बड़े सुंदर सुंदर अशोक के नए नए वृक्ष खिले हैं, और वहां से जाती हुई गा रही है। श्री कृष्ण को दूर से देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का देखा। श्यामम हिरण्य प्रतिमम और वनमाल अर्हम, सुंदर श्याम स्वरूप है उनका। श्री वृंदावन के रसिकुल के विषय में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वाके मुकुट के रंगन पे इंद्र को धनुष मारो और अमल कमल मारो लोचन विशाल पे, वाके कुंडल की प्रभा पे कोटिन प्रभा करवारो कोटिन मदन वारो मदन रसाल पे मदन के वरद पे नीरज सजल वारो चपला चपक वारो प्यारे तेरी माल पे चाल पे मराल वारो अपना तन मन वारो न जाने कहाँ कहाँ वार डारो नंद जू के लाल पे, न जाने कहाँ कहाँ वार डारो नंद जू के लाल पे। तो कहते कहाँ वार डारे, ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं, सौंदर्य मूर्तिमान होकर के हमारे सामने खड़ा, हिरण्य गर्भ माने सूर्य की रचनाओं को खींच करके अपने पीतांबर पे जो है श्री ठाकुर ने सजा रखा है, ऐसा सुंदर स्वरूप देखा तो कर्ण उत्पल अलग अलग खुले कि कर्णों पर सुंदर सुंदर जो है उन्होंने कनेर के पुष्प लगा रखे हैं, और नट की तरह वेश धारण कर रखा है, जैसे नट पर होता है ना नाचने वाला, ऐसे नाचने वाले का सुंदर वेश धारण कर रखा है, और अपने हाथ को अपने सखा के कंधे पर रखे हुए हैं। हमारे गुरु जी एक समय पूछ रहे हैं किससे कि बताओ श्री कृष्ण ज्यादा बलवान है कि बलदेव ज्यादा बलवान है। एक चित्र है जिसमें श्री बलदेव जी जो है श्री कृष्ण के कंधे में हाथ रखे हुए हैं, तो सब जब सबने देखा बोले इस वैसे तो बलदेव जी ज्यादा बलवान है, तो जब चित्र देखा तो बोला इस चित्र के अंदर तो बलदेव जी हाथ रखे हुए श्री कृष्ण के, तो बोले हाँ इस चित्र को देख करके तो लगता है कि बलदेव जी जो है वो श्री कृष्ण थोड़े बल में कम है। फिर एक दूसरा चित्र दिखाया, उस चित्र में श्री कृष्ण नटवेश अनुवरदान से नट का वेश धारण कर रखा है और अपने कंधे को अपने सखा कंधे में है। बोले अब बताओ कि कृष्ण ज्यादा बलवान के बलदेव जी ज्यादा बलवान है या श्री कृष्ण? बोला श्री कृष्ण। बोले अब बताओ कौन बलवान है? बोले अनुवरदान से उनकी जो सखा है ना वो ज्यादा बलवान है, माने श्री ठाकुर से भी ज्यादा बलवान कौन है? श्री ठाकुर के भक्त है, बिना श्री ठाकुर के भक्तों के अरे वो उनका सहारा ले रहा है। मई भक्त हृदय श्रुद्ध साधु भूताना, वो मेरे को अपने हृदय में बांध लेते हैं, अरे धक्का भी मारे तो भी नहीं जा रहा मेरे इनके हृदय से, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप देखा। और जो ही स्वरूप देखा श्री ठाकुर ने कहा स्वागतम महाभागो आसताम कारवाम किम, आइए 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 मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप क्यों आइए यहाँ पर? अच्छा अच्छा बहुत दूर से थक आ रही है ना, चलिए या आराम से बैठिए स्थान पर बैठिए। तो जब ये वचन सुने ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि हे गोविंद मामेव विभो ओ हरति देरी ताम नृशंसो, अरे विभु आप क्या बात कर रहे हैं, हम आपके वचनों को सुन करके आए हैं, हमने दीर्घ काल तक आपके गुणों को सुना है। श्री कृष्ण ने कहा किससे सुना मेरे गुणों को, मैं तो कभी तुमसे मिला नहीं।
बोले कि ये जो कूड़ा बीनने वाली होती है ना, जिसे ब्रज में पुलिंदी स्त्रियां कहते हैं, इस सुबह सुबह उठती हैं और ये वन में विचरण करती हैं, और वन में विचरण करते हुए आपके चरणांगुजों से जो कुमकुम लगा होता है उस कुमकुम को देखती हैं, और उस कुमकुम को देख करके आपके गीत गाती हैं, गीत गाते हुए हमारे नगर के निकट आती हैं। और जब ये गीत गाती थी हमने इन गीतों को सुना है, निरंतर हमने सुना है, और उसको सुन करके हमारे हृदय में आपसे मिलन की उत्कंठा हो गई, तो श्रवण प्रधान है। तो बोला आपने किससे सुना? बोले हमने पुलिंदी स्त्रियों से जो है आपके इन सारे गुणों को सुना है, पर आप इस समय हमसे ये पूछ रही है कि क्या करूं, हमसे ये कह रहे हैं वापस चले जाओ, हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमसे ये कह रहे हो कि ब्राह्मण तुम्हारे बिना यज्ञ कैसे करेंगे। ये जो आपकी वाणी है बहुत कठोर है, वेद में आप कहते हैं कि निगमम तवपाद मूलम सत्यम पुरुष, आपने वेद में कहा है जो व्यक्ति आपके निकट आया है ना उसको आप शरण अवश्य प्रदान करते हैं। आप गीता में भी इस बात को कहते हैं तांस देव भजामयम, कि जिस प्रकार से कोई भी भक्त आपकी शरण में आए आप उसको जरूर जो है स्वीकृति देते हैं। तो आप अपने वेद में इस कहे गए वचन को आप सार्थक कीजिए, हमको आप यहां से वापस ना भेजिए। वहां पर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि देखो अब आप वापस जाएंगी, कोई हमें स्वीकारेगा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, सारे के सारे ब्राह्मण सारे के सारे समाज सब तुमको जरूर स्वीकारेगा, क्योंकि मेरे निकट रह करके हो सकता है, मेरे निकट रह करके हो सकता है कि तुम्हें मेरा दर्शन ना हो, लेकिन श्रीणवात दर्शनयात ध्यानात भावन कीर्तनात, कि मेरे बारे में श्रवण करके मेरे विग्रह का दर्शन करके मेरा अनुकीर्तन करके तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। सबकी सब घर गई। वहां पर ब्राह्मण ने देखा कि ये स्त्रियां जो कि कुछ नहीं जानती, अपश्च नारी राम कह रहे देखो 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 इन स्त्रियों का कि नाशवाद जाति संस्कारो, जिनका जिनका जाति संस्कार नहीं हुआ, ना तप जिनका कोई तप नहीं है, ना कर्म शुभ ना जिनका कोई कर्म भी शुभ नहीं है, ना ये कुछ जानती हैं, लेकिन कुछ नहीं जानने पर भी ये एक चीज जानती हैं, तो भगवती उत्तम श्लोके कृष्ण योगेशीश्वर, कि श्री कृष्ण की कथाओं का इन्होंने पान किया, ये इनका सबसे बड़ा गुण है। तो ब्राह्मण ने कहा धिक्क जन्म, हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे सारे वेद को पढ़ने को धिक्कार है यह, और धिक्क कुल हमारे कुल को भी धिक्कार है। बोला हमारे जन्म को धिक्कार, हमारे कुल को धिक्कार है। और बोला धिक्क काल राक्षस, हमें बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ना, ये सब बेकार है, सब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सारी की सारी भक्ति की क्रिया का मूल क्या है, वासुदेव कथा रुचि, अब श्री गोविंद की कथा में रुचि नहीं हुई, सारा का सारा केवल बन गया श्रम एव ही केवलम। तो सबने कहा हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी सब की सब उनको धिक्कार है कि ये स्त्रियां जो कि कुछ नहीं जानती, लेकिन इन्होंने श्री गोविंद को प्राप्त कर लिया, और कैसे गोविंद को प्राप्त किया, गोप्य वचे सताम गते, ये जो ब्रजवासी है ना, मैं श्री वृंदावन के एक वृत्त निकुंज में बैठा हुआ था, वहां पर मैंने देखा कि दूर दो ज्योति आपस में क्रीड़ा कर रही है, एक श्री राधा और कृष्ण दिव्य ज्योति आपस में क्रीड़ा कर रही है, और वहां मैंने जा
चरणों में कुछ पुष्पांजलि समर्पण करने के लिए बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो सुन रहे हो आप लोग, वह सब समझ में आया? तो कुछ आया? माता जी कहते कुछ नहीं। अभी बहुत कुछ आपने आदि भागवत कथा तो अभी सुन लिया आपने, प्रभु जी ने बड़े अच्छे अच्छे विचार बतला दिए। श्रीमद् भागवत में, भागवत महात्म्य में बतलाया, सुनना ध्यान से, कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयावह। इस भागवत को सुनने का क्या फल है ये बतला रहे हैं। यस्याम वै, यस्याम अर्थात इसको, किसको? श्रीमद् भागवत को श्रूयमाणायाम, सुनने से ही क्या होगा? कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और वो भक्ति कैसी है? शोक मोह भयावह। जीव का जितना शोक जितना मोह है उसको अपहा, जड़ से नष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी। अब आप लोगों ने 6 दिन तो भागवत सुन ली, सुनी तो 6 दिन भागवत, तो शोक मोह भय चला गया होगा, चला गया। तो 6 दिन भागवत सुने, अच्छा कल सुन लोगे, 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो शोक मोह भय चला जाएगा, ये निश्चित है। यदि नहीं जाए, यदि किसी का शोक मोह भय नहीं गया और परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं हुई, यदि नहीं हुआ और नहीं हुई कृष्ण के प्रति भक्ति, तो कठोपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात आई, उसको समझ लेना ध्यान से। मैंने कभी अपने गुरु जी से ऋषिकेश में ये प्रश्न किया, क्या आपने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, आपने दशम स्कंध को भी प्रकाशित कर रहे हैं और गीत गोविंद भी प्रकाशित किया है, इस सब को धारण कैसे करेंगे, इस सब को धारण करने की क्षमता कैसे आएगी, कैसे इसको धारण करेंगे? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, कभी मुझसे किसी ने कहा था कि गुरुजी कहते हैं कि हमारे सारे ग्रंथ सबके लिए हैं, अर्थात जो इतने उन्नत स्तर के, इतने उन्नत ग्रंथ जो गुरुजी ने प्रकाशित किए सबके लिए हैं। तो मेरे मन में प्रश्न आया, मैं गुरुजी के साथ में था तो मैंने गुरुजी से पूछा कि कैसे इस सारे ग्रंथ को, इतने उन्नत कोटि के ग्रंथ आपने प्रकाशित ये सबके लिए हैं? तो गुरु जी ने कहा, हाँ ग्रंथ तो सबके लिए हैं, किंतु उसका एक क्रम है। ग्रंथ तो सारे सबके लिए हैं, किंतु उसका एक क्रम है। वो क्रम क्या है? हम उपदेशामृत से आरंभ करना, उपदेशामृत नाम का रूप गोस्वामी पाद का एक ग्रंथ है, हमको उपदेशामृत से आरंभ करके फिर गीत गोविंद तक पहुंचना है। तो ऐसे ही भागवत सुन रहे हैं तो एक क्रम है। अब भागवत श्रवण करने के महात्म में मैं तो बतला दिया, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयावह। अब भागवत सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ तो फल होगा, भागवत सुनने का कुछ ना कुछ तो फल है, शोक मोह भय चला जाएगा, परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यदि नहीं हो रही है तो इसका कारण क्या है? तो कठोपनिषद ने एक बड़ी सुंदर बात बतलाई, वो कहते हैं, कठोपनिषद का एक श्लोक है जिसमें बतला रहे हैं कि किस कारण से हम इतने साधु संघ में रहते हैं। अभी तो कल भी मैं सुन रहा था, बता रहे बड़ा सौभाग्य है कि साधु संघ मिल रहा है, बड़ा सौभाग्य भागवत कथा सुनने को मिल रही है, किंतु फलवती क्यों नहीं हो रही है? जो कुछ हम सुन रहे हैं वो फलवती क्यों नहीं हो रहा है? जीवन में दिखलाई क्यों नहीं दे रहा है? उसका जो फल है सुनने का, वो सब कुछ जीवन में दिखलाई क्यों नहीं देता है? तो कठोपनिषद में बड़ा सुंदर एक विचार बतलाया गया, उसमें कहते हैं, श्रवणाय आपी बहु वीर्यो न लभ्य, श्रण मन तोपि बहु यमुना विद्रु, आश्चर्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। कठोपनिषद ने उत्तर दे दिया, समझ लीजिए ध्यान से, बतला रहे हैं श्रवणाय आपी बहु वीर्यो न लभ्य, इस आत्म तत्व के विषय में जानने वाला जगत में बड़ा विरल है, कोई जानता ही नहीं है। इस आत्म तत्व के विषय में जानने वाला जगत में बड़ा विरल है, जो जानकर हमको बतला दे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, ये भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो इस सबको जानने वाला, बताने वाला बड़ा विरल है, किंतु हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी गुरु परंपरा में हमको वो विचार मिल गया। हम आज भी सुन रहे हैं वो सब कुछ विचार कि क्या है भागवत। अभी आपने सुना भागवत आश्रय जातीय ग्रंथ है, तो बतलाते हैं कि बड़ा विरल है वो आत्म तत्व के विषय में जानने वाला और उसको कहने वाला बड़ा विरल है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको वो गुरु परंपरा मिल गई जिसको आज तक हम सुनते आ रहे हैं। तब फिर वो परंपरा मिल गई
फिर भी नहीं फलवती हो रहा है, तो उसके विषय में बतलाते आश्चर्य से लगता कुशलो से लगता आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष। और उससे पहले बताया श्रवणायापी बहुदेव्यो ना लभ्य शरण मन तो भी भवो यमुना विद्यु, जो सुनने वाले हैं ना, कहने वाला तो फिर भी मिल जाएगा, किंतु सुनने वाले बड़े विरल हैं। कहने वाला फिर भी मिल जाए, सुनने वाले बड़े विरल हैं, और सुनकर धारण करने वाले और भी विरल हैं। सुन तो लेंगे किंतु सुनकर धारण करने वाले बड़े विरल हैं। तो इसलिए जो सुन रहे हैं उसको कितना समझ पाए हैं और उसको कितना जीवन में धारण कर पाए हैं, ये मूल प्रश्न है। जितने परिमाण में हम धारण कर सकेंगे, धारण करने का अर्थ है उसको जीवन में आचरण कर सकेंगे, उसको अपने जीवन में ला सकेंगे। अब जीवन में आएगा कैसे, उस पर जो सुन रहे हैं उस पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु आप लोग जानते हैं हमारे गौड़िया मठ में राधा कृष्ण मिलित तनु एक होकर जब आए तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनके भक्त थे, महाप्रभु स्वयं भगवान है, किंतु भक्त रूप में आए और भक्त रूप में आकर शिक्षा दी कैसे भक्ति करनी चाहिए, भक्ति किसको कहते हैं, ये सब उन्होंने स्वयं भगवान होकर शिक्षा दी। तो एक एक पार्षद को लेकर के आए अपने साथ, एक एक पार्षद को लक्ष्य करके एक एक विचार जगत में बतलाया। महाप्रभु के भक्त थे अद्वैताचार्य प्रभु जो स्वयं महाविष्णु है, उन अद्वैताचार्य प्रभु के एक शिष्य थे, सुनो ना ध्यान से, उन अद्वैताचार्य प्रभु के एक शिष्य थे, उनका नाम था कमलाकांत विश्वास, ब्राह्मण कुल के थे, किसके शिष्य थे,